नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे जिले के बारे में जहां आज भी होती है स्वयंवर की प्रथा। भारत की मजबूत संस्कृति विरासत में हम सभी लोगों ने टेलीविजन पर देखा ही नहीं, किस्सों और कहानियों में सुना भी है कि महाभारत और रामायण में हिंदू लड़कियों के स्वयंवर के बारे में। इस परंपरा में दुल्हन को अपना दुल्हा खोजने की पूरी आज़ादी होती है और पूरा छूट मिलता है। ऐसे ही एक परंपरा आज भी बिहार के पूर्णिया जिले में जिंदा है। यह परंपरा पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के मिलिनिया गांव में आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। बता दें कि यह आदिवासी समाज के द्वारा लगाए जाने वाले बहुचर्चित मेला पत्ता मेला है। इस मेले में बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों के साथ साथ नेपाल से भी आदिवासी समाज के लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस मेले में खासकर आदिवासी युवक और युवती पहुँचते हैं। इस मेले में अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाता है तो उसे वह प्रपोज कर सकता है। दरअसल प्रपोज करने का भी यहाँ एक तरीका है। ये इस तरीके के अनुसार अगर किसी युवक को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो लड़के के द्वारा लड़की को पान खाने के लिए दिया जाता है। अगर लड़की पान को खा लेती है तो यह समझा जाता है कि शादी के लिए दोनों की सहमति है, दोनों एक दूसरे के जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद दोनों तरफ के परिवारों की सहमति से लड़का लड़की को अपने घर ले जाता है। कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद एक तरह से कहने की दोनों में शादी की बात कही जाती है। आपको बता दें कि आज के समाज में भी इसी रिश्ते को हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें एक लड़का एक लड़की बिना शादी किए एक साथ में रहते हैं। जरा सोचिए, जिस परंपरा समाज के बारे में आज हम कल्पना कर रहे हैं उसके बारे में आदिवासी समाज में बहुत पहले से ही यह प्रथा चली आ रही है और आज भी इसी आदिवासी समाज के लोग इसे मान रहे हैं। वर्तमान समाज की बात करें तो लोग लिव इन रिलेशनशिप को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, जबकि आदिवासी समाज में यह माना जाता है कि एक दूसरे को समझने का एक मौका मिलता है। कुछ दिन साथ रहने के बाद परिवार के लोग इन दोनों लड़का लड़की को शादी कर देते हैं और यह एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करते हैं। आपको बता दें कि यह पर्व बैसाखी पर्व यानी कि सिरवा बिसवा पर्व के दिन मनाया जाता है। इस दिन आदिवासी समाज का दो दिन का पत्ता मेला लगता है। इसी मेले में दूर दूर से आदिवासी युवक और युवतियाँ आती है। इस मेले में बाँस का एक बड़ा सा टावर बनाया जाता है। इस बाँस के टावर पर चढ़कर आदिवासी लोग पूजा अर्चना करते हैं। इस दो दिन तक चलने वाले मेले में आदिवासी समाज के लोग खूब नाच गान करते हुए दिखाई देते हैं। इस दिन युवक युवती एक दूसरे पर मिट्टी गुलाल और रंग लगाते हैं और अपने लिए दूल्हा और दुल्हन का चुनाव करते हैं। इस दौरान अगर किसी युवती को कोई युवक पसंद आ जाता है तो उसे पान खाने के लिए दिया जाता है। दरअसल इसे हम आज की भाषा में प्रपोज करना भी कह सकते हैं। अगर लड़के ने पान खा लिया तो समझो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर पान खाने से मना कर दिया तो फिर आपको किसी और को रिझाना होगा, मनाना होगा। अगर उसने पान खा लिया तो समझिए कि आपका जो है शुभ संकेत है और आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। बता दें कि आदिवासियों की यह परंपरा अब विलुप्त होने जा रही है। बता दें कि दो दिन तक चलने वाले इस मेले में नेपाल, बंगाल, झारखंड के आसपास के लोग शामिल होते हैं। बता दें कि प्राचीन काल में स्वयंवर की प्रथा थी, लेकिन आज यह समाज जो है यानी कि यह जो प्रथा है स्वयंवर की प्रथा वो विलुप्त होती दिखाई दे रही है, क्योंकि यह बहुत ही कम ऐसे समाज हैं जिनमें यह प्रथा चलती है। ऐसे में आज के समय में आदिवासी समाज के लोग भी इस परंपरा को आदिवासी समाज के लोग इस परंपरा को जीवंत किए हुए हैं। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।